क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्विनोन, ऑप्शन डी सोडियम सल्फाइड। दोस्तों यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में इसमें से कौन सा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्विनोन और सोडियम सल्फाइड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोक्विनोन। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सी है हाइड्रोक्विनोन एक रिड्यूसिंग एजेंट है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में, और इसका काम होता है कि जो फिल्म होती है इसको ये ब्लैक शेड जो होती है उसको ये प्रोवाइड करता है, यानी कि फिल्म की ब्लैकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो सोडियम कार्बोनेट है ऑप्शन ए, ये एक एक्टिवेटर है जो कि फिल्म के जिलेटिन को स्वेलिंग करता है और जिससे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो अंदर फिल्म तक जा सके, ठीक है। और जो ऑप्शन बी है पोटेशियम ब्रोमाइड की एंटी फॉगिंग एजेंट है, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है सोडियम सल्फाइड, ठीक, ये एक प्रिजर्वेटिव है जो कि डेवलपिंग सॉल्यूशन को ऑक्सीडेशन से बचाता है। क्वेश्चन नंबर टू, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ऑप्शन ए एक्सरे बीम इनटू विजिबल लाइट, ऑप्शन बी विजिबल लाइट इनटू एक्सरे बीम, ऑप्शन सी एक्सरे बीम इनटू डिजिटल सिग्नल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, मतलब किस तरह की डिवाइस होती है। यह नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि वो डिवाइस जो कि एक्सरे को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती है, या फिर विजिबल लाइट को एक्सरे बीम में कन्वर्ट करती है, या फिर एक्सरे बीम को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, या फिर ऑप्शन डी इन ये सारे। जो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एक्सरे बीम इनटू विजिबल लाइट। दोस्तों जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है ये कैसेट में यूज़ होती है, आपने देखा वो जो कैसेट को हम खोलते हैं तो उसमें अंदर वाइट वाइट कुछ बोर्ड जैसा लगा होता है, तो वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता है और एक डिवाइस होता है जो कि एक्सरे बीम को लाइट विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, MAS स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए मिली एम्पलीफाइड सेकंड, ऑप्शन बी मिली एस सेकंड, ऑप्शन सी मिली एम्पियर सेकंड, ऑप्शन डी माइल एम्पियर सेकंड। दोस्तों यहाँ MAS की फुल फॉर्म पूछी गई है और नीचे यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मिली एम्पियर सेकंड। दोस्तों जो MAS होता है ये इसका फुल फॉर्म है मिली एम्पियर सेकंड, और ये एक पैरामीटर्स होता है जो कि हमारे रेडियोलॉजी में यूज़ किया जाता है। दोस्तों MAS प्रोडक्ट होता है मिली एम्पियर और सेकंड का, यानी कि ये ट्यूब करंट और टाइम का ये एक प्रोडक्ट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं रेडियोलॉजी में। MAS रेस्पॉन्सिबल होता है फिल्म के डेंसिटी के लिए, यानी कि फिल्म में जो ब्लैकनेस आती है उसके लिए MAS रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि आप जितना ज़्यादा MAS यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ब्लैकनेस आएगा फिल्म में। तो जो ब्लैकनेस होती है यानी कि इसको जो डेंसिटी होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज़ ग्रिड लैटिस ऑप्शन ए नंबर ऑफ लैट स्ट्रिप्स पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी नंबर ऑफ लैट स्ट्रिप्स पर मीटर, ऑप्शन सी नंबर ऑफ लैट स्ट्रिप्स पर किलोमीटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रिड लैटिस क्या होता है, या नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन ए नंबर ऑफ लैट स्ट्रिप्स पर सेंटीमीटर। दोस्तों ग्रिड में ग्रिड लैटिस वर्ड यूज़ किया जाता है और इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ लैट स्ट्रिप्स होती हैं पर सेंटीमीटर उसको ग्रिड लैटिस बोला जाता है, यानी कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगी पर सेंटीमीटर उतना ज़्यादा ग्रिड लैटिस होगा, और ये इतना ज़्यादा फिर जो स्कैटर रेडिएशन है उसको कंट्रोल करेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, HSG इज ए स्पेशल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑप्शन ए यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन बी ईसोफेगस एंड स्टमक, ऑप्शन सी नी जॉइंट, ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि जो HSG होती है एक स्पेशल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसको इसमें से किस के लिए एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि बॉडी के किस पार्ट के एग्जामिनेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन बी है ईसोफेगस एंड स्टमक, नी जॉइंट और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
वो है ऑप्शन ए यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स। दोस्तों HSG एक तरह का स्पेशल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, ठीक है, जो कि यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर HSG की फुल फॉर्म है हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी, जो कि एक स्पेशल प्रोसीजर है और उसको इनफर्टाइल पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जिन फीमेल पेशेंट में जो प्रेगनेंसी मतलब उनको नहीं हो पाती है, तो उनको उनके यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स की टेस्ट किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये उनके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ERCP? ऑप्शन ए अर्निंग रेस्पॉन्स कॉफिशियंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रीटोग्राफी, ऑप्शन सी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कैंसर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी यूरोपियन रेडियो कम्युनिकेशन कमेटी। दोस्तों यहाँ पर ERCP की फुल फॉर्म पूछी गई है, यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रीटोग्राफी। दोस्तों ये एक तरह का स्पेशल इंटरवेंशनल प्रोसीजर है जो कि बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट को स्टडी करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक शेड्स इन मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए मेटोल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्विनोन, ऑप्शन सी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में इसमें से कौन सा एक स्लो एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक शेड्स के लिए, यानी कि फिल्म में जो ब्लैक शेड्स होते हैं उसके लिए इसमें से कौन सा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं मेटोल, हाइड्रोक्विनोन, पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोक्विनोन। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया इसमें कि जो हाइड्रोक्विनोन है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि फिल्म के ब्लैक शेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एक स्लो एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि दूसरी तरफ जो मेटोल है ये एक फास्ट एक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि फिल्म के ग्रे शेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हाइड्रोक्विनोन और मेटोल दोनों ही एक डेवलपिंग सॉल्यूशन है जो कि मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कन्वेंशनल फॉस्फोर इन एन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ऑप्शन ए वाइट्रियम, ऑप्शन बी लैंथेनम, ऑप्शन सी गैडोलिनियम, ऑप्शन डी कैल्शियम टंगस्टेट। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में इसमें से कौन सा कन्वेंशनल फॉस्फर है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम टंगस्टेट। दोस्तों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में एज ए फॉस्फर जो यूज़ होता है वो कैल्शियम टंगस्टेट होता है और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो नई स्क्रीन्स आ रही हैं या फिर जो नई इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स हैं उसमें री अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी बेटर होती हैं देन कैल्शियम टंगस्टेट, ठीक है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हैं ए और बी यानी कि वाइट्रियम लैंथेनम और सी गैडोलिनियम, ये तीनों ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और अगर इनका यूज़ करके हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बनाते हैं तो उसमें काफ़ी फास्ट स्क्रीन होती है जिससे कि हमें काफ़ी कम डोज देनी पड़ती है पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द फिल्म ब्लैकनिंग और डेंसिटी इन रेडियोग्राफी। ऑप्शन ए KV, ऑप्शन बी KVP, ऑप्शन सी MAS, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो फैक्टर है वो फिल्म की ब्लैकनिंग और डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी MAS। जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि जो MAS होता है फिल्म की डार्कनेस यानी कि ब्लैकनिंग या फिर इसको डेंसिटी भी बोल सकते हैं हम, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा MAS होगा उतना ज़्यादा फिल्म की ब्लैकनिंग होगी या फिर फिल्म की डेंसिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 10, ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द इसोफेगस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बेरियम मील, ऑप्शन बी बेरियम स्वेलो, ऑप्शन सी बेरियम इनेमा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसोफेगस के रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन को क्या बोला जाता है। तो
यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं बेरियम मील, बेरियम स्वेलो, बेरियम इनेमा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेरियम स्वेलो। दोस्तों ईसोफेगस के लिए बेरियम स्वेलो स्टडी की जाती है, जिसमें कि हम जो बेरियम सॉल्यूशन होता है वो पेशेंट को पिलाते हैं और फिर ईसोफेगस की स्टडी करते हैं, यानी कि उसका एक्सरे लेते हैं और इमेज लेते हैं और फिर इसकी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीजियोलैक्टिक मटेरियल। ऑप्शन ए रियर अर्थ वाइट्रियम, ऑप्शन बी सीजियम आयोडाइड, ऑप्शन सी लेड जिरकोनेट टाइटनेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एक पीजियोलैक्टिक मटेरियल है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं नीचे और इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेड जिरकोनेट टाइटनेट। दोस्तों जो ऑप्शन सी है लेड जिरकोनेट टाइटनेट, एक तरह का पीजियोलैक्टिक मटेरियल जो कि अल्ट्रासाउंड के प्रोब में यूज़ किया जाता है। इसको अल्ट्रासाउंड के प्रोब में जो पीजियोलैक्टिक क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है उसका काम होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस तरह से ही काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिवेटर ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशन इन मैनुअल प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछे गए कि मैनुअल प्रोसेसिंग में के डेवलपिंग सॉल्यूशन में से इसमें से कौन सा एक एक्टिवेटर है। तो यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर सारे, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट है एक तरह का एक्टिवेटर है जो कि मैनुअल प्रोसेसिंग डेवलपिंग सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है इसको, और इसका काम ये होता है कि ये फिल्म का जो जिलेटिन होता है उसको स्वेल कर देता है, यानी कि उसको फुला देता है, जिससे कि जो हमारा केमिकल है वो अंदर फिल्म तक जा सके। और जो बाकी हैं आप ऑप्शन ए सोडियम सल्फाइड, ये प्रिजर्वेटिव है जो कि सॉल्यूशन को ऑक्सीडेशन से बचाता है, और जो ऑप्शन सी है पोटेशियम ब्रोमाइड, ये एक एंटी फॉगिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड बी द वोल्टेज ऑफ बल्ब यूज्ड इन द डार्क रूम। ऑप्शन ए मोर देन 20 वॉट्स, ऑप्शन बी 100 वॉट्स, ऑप्शन सी लेस देन 15 वॉट्स, ऑप्शन डी एनी वोल्टेज कैन बी यूज्ड। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि डार्क रूम में जो बल्ब होता है उसकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितने वॉट का बल्ब हम यूज़ कर सकते हैं डार्क रूम में। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लेस देन 15 वॉट्स। दोस्तों अगर आपने डार्क रूम में काम किया है तो आपने देखा होगा कि डार्क रूम में एक रेड कलर की लाइट जली होती है जो कि काफ़ी डिम होती है, और हमें उसी में पूरा काम करना होता है डार्क रूम में, यानी कि फिल्म की जो कैसेट की होती है उसकी लोडिंग अनलोडिंग उसमें हमें करनी होती है उसी लाइट में। तो उसमें जो बल्ब होता है रेड कलर का वो 15 वॉट से कम का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये रेड बल्ब ज़्यादा वॉट का होगा तो हमारी जो फिल्म है वहाँ पर उसको एक्सपोज होने का रिस्क रहता है, जिससे कि जो फिल्म है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए जो डार्क रूम में जो हम रेड लाइट वाला बल्ब यूज़ करते हैं उसका जो वोल्टेज है वो 15 वाट से कम होना चाहिए, जिससे कि हम बिना फिल्म के ख़राब हुए आराम से काम कर पाएँ, जिससे कि हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो भी अच्छी आए, ख़राब ना हो। क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़। ऑप्शन ए ग्रिड फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन बी ग्रिड लैटिस, ऑप्शन सी ग्रिड रेशियो, ऑप्शन डी ग्रिड फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप और डिस्टेंस बिटवीन दैम के रेशियो को क्या बोला जाता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ग्रिड फ्रिक्वेंसी, ग्रिड लैटिस, ग्रिड रेशियो या फिर ग्रिड फंक्शन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्रिड रेशियो। दोस्तों ग्रिड रेशियो होता है वो रेशियो होता है हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप का और डिस्टेंस बिटवीन दैम का, इसको ग्रिड रेशियो बोला जाता है। दूसरे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम में भी पहले भी कई बार आ चुका है, तो आपको ग्रिड से जुड़े जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको पढ़ लेने अच्छे से, क्योंकि ग्रिड से जुड़ा क्वेश्चन हमेशा अक्सर आ ही जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एयर गैप टेक्निक। ऑप्शन ए मिनिमाइजेशन, ऑप्शन बी मैग्निफिकेशन, ऑप्शन सी डिग्रेडेड इमेज क्वालिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि एयर गैप टेक्निक का मेन डिसएडवांटेज क्या है।
तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मैग्नीफिकेशन। दोस्तों एयर गैप टेक्निक में जो हमारी फिल्म होती है यानी कि जो कैसेट होती है उसको 10 से 15 सेंटीमीटर पेशेंट से आगे मूव कर दिया जाता है इसको, और एक तरह का गैप क्रिएट कर दिया जाता है पेशेंट और फिल्म के बीच में। तो इससे जो हमारी जो स्कैटर रेडिएशन होती है वो नहीं पहुंच पाती हमारी कैसेट तक या फिल्म तक, तो हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर आती है। तो ये एयर गैप टेक्निक होती है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है जो कि है मैग्नीफिकेशन। इससे हमारी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड आती है यानी कि बड़ी आती है, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ ए पेशेंट इज़ लाइंग ऑन हिज आर बैक दिस पोजिशन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए डोर्सल डेक्यूबिटस, ऑप्शन बी वेंट्रल डेक्यूबिटस, ऑप्शन सी लैटरल डेक्यूबिटस, ऑप्शन सी सेमी रिकम्बेंट। दूसरे क्वेश्चन पूछे गए कि अगर कोई मेल या फीमेल पेशेंट अपने पीठ के बल लेटा हुआ है यानी कि कमर के बल लेटा हुआ है तो उस पोजिशन को क्या बोला जाएगा। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं डोर्सल डेक्यूबिटस या फिर वेंट्रल डेक्यूबिटस या फिर लैटरल डेक्यूबिटस या फिर सेमी रिकम्बेंट। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डोर्सल डेक्यूबिटस। दोस्तों अगर कोई पेशेंट अपने पीठ के बल लेटा हुआ है तो उस पोजीशन को हम डोर्सल डेक्यूबिटस बोलेंगे या फिर इसको हम सुपाइन पोजीशन भी बोल सकते हैं। अगर पेशेंट उल्टा लेटा होता है पेट के बल तो उसको हम प्रोन पोजीशन बोलते हैं या फिर इसको वेंट्रल डेक्यूबिटस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज कॉमनली यूज फॉर इवेल्यूशन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, ऑप्शन ए HSG, ऑप्शन बी PTBD, ऑप्शन सी बेरियम मील, ऑप्शन डी IVU। दूसरा क्वेश्चन है पूछे गए कि यूरिनरी सिस्टम के इवेल्यूशन के लिए इसमें से कौन से इन्वेस्टिगेशन का कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं HSG, PTBD, बेरियम मील या फिर IVU। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी IVU। दोस्तों IVU यानी कि इंट्राविनस यूरोग्राफी का यूज़ किया जाता है यूरिनरी सिस्टम के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसमें आपके किडनी यूरेटर ब्लैडर का इसमें एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें मरीज को नसों के द्वारा एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट दिया जाता है जो कि जब हमारे किडनी तक पहुंच जाता है तब उसमें पेशेंट का इमेज ले जाता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट किस तरह फ्लो कर रहा है या फिर कहाँ पर अटक रहा है, तो हम देख के पूरे यूरिनरी सिस्टम को हम एग्जामिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर IVP, ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी एब्डोमिनल मास लेजन अराइजिंग फ्रॉम किडनीज, ऑप्शन सी स्टोन, ऑप्शन डी मल्टीपल माइलोमा। दोस्तों यहाँ पूछे गए कि इसमें से कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर IVP के लिए। यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है वो इंडिकेशन जो कि IVP में जिस केस में हम IVP बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हाइपरटेंशन, ये भी एक तरह का इंडिकेशन है, और जो ऑप्शन बी है एब्डोमिनल मास लीजन अराइजिंग फ्रॉम किडनीज, ये भी एक इंडिकेशन है, और जो ऑप्शन सी है स्टोन, ये भी एक इंडिकेशन है, और जो ऑप्शन डी है मल्टीपल माइलोमा, ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है IVP के लिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी मल्टीपल माइलोमा, यानी कि अगर किसी पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा है तो उस केस में हम IVP उसका नहीं करते हैं। दोस्तों जो स्पेशल प्रोसीजर होते हैं रेडियोलॉजी में उन सब के आपको इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पहले भी कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, साइलोग्राफी इज ए रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन ऑफ, ऑप्शन ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑप्शन बी स्किन डिजीज, ऑप्शन सी रेक्टम, ऑप्शन डी सलाइवरी ग्लैंड्स। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि जो साइलोग्राफी होती है इसमें से किसका एक रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन है, यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्किन डिसीज या फिर रेक्टम या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स का। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सलाइवरी ग्लैंड्स। दोस्तों साइलोग्राफी होती है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन को बोला जाता है। इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स में एक कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि जो हमारे जो ग्लैंड्स है वो अच्छी तरह से विजिबल हो पाते हैं, और उनका फिर एक्सरे इमेज लेके हम उसकी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द रिड्यूसिंग एजेंट्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय एयर इन मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग,
ऑप्शन ए एक्टिवेटर, ऑप्शन बी रेस्ट्रेनर, ऑप्शन सी रिड्यूसर, ऑप्शन डी प्रिजर्वेटिव। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन रिड्यूसिंग एजेंट को बचाता है एयर के ऑक्सीडेशन से मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रिजर्वेटिव। दोस्तों प्रिजर्वेटिव होता है वो डेवलपिंग सॉल्यूशन को एयर के ऑक्सीडेशन से बचाता है, यानी कि उसको ख़राब होने से बचाता है। तो इसका काम होता है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में, और सोडियम सल्फाइड का यूज़ किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव इन मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में। क्वेश्चन नंबर 21, केवीपी स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए किलो वोल्टेज पैरामीटर, ऑप्शन बी किलो वोल्टेज पीक, ऑप्शन सी किलो वोल्टेज पेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पर केवीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है और नीचे यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी किलो वोल्टेज पीक। जो केवीपी की फुल फॉर्म होती है वो किलो वोल्टेज पीक होती है, और जो किलो वोल्टेज होता है ये फिल्म के कॉन्ट्रास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि फिल्म में जो कॉन्ट्रास्ट आता है ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये एक्सी बीम की पेनिट्रेशन पावर को बढ़ाता है, यानी कि जितनी ज़्यादा हम केवी का यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन बढ़ जाएगी एक्सरे बीम की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन विल रिजल्ट इन ए लोअर पेशेंट डोज। ऑप्शन ए फास्टर स्क्रीन, ऑप्शन बी स्लो स्क्रीन, ऑप्शन सी बोथ स्क्रीन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से किस टाइप की स्क्रीन, यानी कि किस टाइप की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक लोअर पेशेंट डोज के लिए मतलब हेल्प करेगी, यानी कि इसमें कम पेशेंट डोज जाएगी। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं फास्टर स्लोअर या फिर दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फास्टर स्क्रीन। दोस्तों अगर हम फास्ट स्क्रीन का यूज़ करते हैं तो उस केस में हमें कम से कम रेडिएशन डोज देनी होती है, क्योंकि जो फास्ट स्क्रीन होती है वो कम डोज में भी अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करती हैं, और जो स्लो स्क्रीन होती है उसमें हमें ज़्यादा रेडिएशन डोज देनी पड़ती है सेम क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो फास्ट स्क्रीन होती है वो बेटर होती हैं देन स्लो स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्टरनेटिव टू ग्रिड यूज। ऑप्शन ए एयर गैप टेक्निक, ऑप्शन बी एनसीसीटी स्कैन, ऑप्शन सी लोअर एक्सपोजर फैक्टर्स, ऑप्शन डी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से ग्रिड के यूज़ का क्या ऑल्टरनेटिव है, यानी कि दूसरा इसका विकल्प क्या है ग्रिड के यूज़ का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एयर गैप टेक्निक। दोस्तों ग्रिड का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जो हमारी स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं वो इसको रिमूव करता है ग्रिड। ठीक है, यानी कि ग्रिड के यूज़ से जो हमारी स्कैटर रेडिएशन होती है काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो इसका जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है, यानी कि इसका जो दूसरा विकल्प है वो एयर गैप टेक्निक है। इसमें हम फिल्म को पेशेंट से 10 से 15 सेंटीमीटर तक मूव कर देते हैं, यानी कि एक 10 से 15 सेंटीमीटर का गैप कर देते हैं पेशेंट और फिल्म के बीच में, जिससे जो स्कैटर रेडिएशन है वो हमारी फिल्म तक नहीं पहुँच पाती है और जिससे हमारी क्वालिटी बेटर आती है। तो एक इसका ऑल्टरनेटिव है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्थ्रोग्राफी इज ए रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन ऑफ। ऑप्शन ए जॉइंट्स, ऑप्शन बी ईसोफेगस, ऑप्शन सी लैरिंग्स, ऑप्शन डी ब्रोंकियल ट्री। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आर्थ्रोग्राफी होती है वो इसमें से किसका एक रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं जॉइंट्स, ईसोफेगस, लैरिंग्स या फिर ब्रोंकियल ट्री। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जॉइंट्स। दोस्तों जो ऑर्थोग्राफी होती है वो जॉइंट्स का एक रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन होता है। इसमें हमारे जॉइंट जैसे कि नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, इसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है और स्टडी की जाती है इसकी। ठीक है, तो इस तरह के रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन को हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं, जो कि जॉइंट्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन ए हायर पेशेंट डोज। ऑप्शन ए यूज़ ऑफ फास्ट स्क्रीन्स, ऑप्शन बी यूज ऑफ ग्रिड्स, ऑप्शन सी यूज ऑफ हायर केवीपी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन एक ज़्यादा पेशेंट डोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि इसमें से ज़्यादा पेशेंट डोज इसमें होगी। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है,
इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें फास्ट स्क्रीन का यूज़ करने पर, या फिर ग्रिड का यूज़ करने पर, या फिर ज़्यादा केवीपी का यूज़ करने पर, या फिर इसमें से सारे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूज ऑफ ग्रिड्स। दोस्तों जब हम ग्रिड का यूज़ करते हैं तो उस केस में जो रेडिएशन डोज होती है वो बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम फास्ट स्क्रीन का यूज़ करते हैं तो इस केस में हमारी जो रेडिएशन डोज है वो कम हो जाती है, क्योंकि फास्ट स्क्रीन कम डोज में भी अच्छे रिजल्ट देती है। और जो ऑप्शन सी है यूज़ ऑफ हायर केवीपी, यानी कि अगर हम ज़्यादा केवीपी का यूज़ करेंगे तो उस केस में भी जो पेशेंट डोज है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो केवीपी अगर हम बढ़ा देंगे तो जो रेडिएशन होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाती है, जो कि पेशेंट की बॉडी को क्रॉस कर जाएगी और पेशेंट को डोज नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूज़ ऑफ ग्रिड्स, क्योंकि ग्रिड के यूज़ करने से ही जो पेशेंट डोज है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप इसी तरह की अगर वीडियोज़ आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ आगे मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।